हमारे मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, बीबीएनएल के सभी अधिकारी तथा प्रेस और मीडिया के मित्रों, आज बीबीएनएल के नए कार्यालय का उद्घाटन आप सबके समक्ष हुआ है। संजय सिंह जी ने भूमिका में ही बताया कि अभी सी डॉट की जो बिल्डिंग है उसी में इनका कार्यालय चल रहा था। अब एनबीसीसी के इस भवन में इन्होंने नया कार्यालय प्राप्त किया। मुझे लगता है कि बीबीएनएल के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग कम से कम जो दूर संचार को कवर करते रहे, उन सबको मालूम है कि भारत सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है भारत में, उसके इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व तो बीबीएनएल के कंधों पर है। और तमाम कठिनाइयों और अवरोधों के बावजूद प्रथम चरण 2017 दिसंबर में बीबीएनएल ने पूरा किया और 1,00,000 ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने में सफल रहे। आपको ये भी मालूम है कि उस समय ही 25,000 ग्राम पंचायत इनको और अधिक दे दी गई थी ताकि 1,00,000 का लक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा हो। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब 1,25,000 जो ग्राम पंचायतें हैं, लगभग उनका काम खत्म हो गया है। 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक बीबीएनएल अपनी परियोजना को पूरा करते समय कवर करेगा और द्वितीय चरण मार्च 2019 में पूरा होना है। मोटे तौर पर 50% के आसपास, 49% टू 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई है। ई गवर्नेंस, ई हेल्थ और ई एजुकेशन सुविधापूर्वक देश के नागरिकों को मिल सके, इसमें भारत ने बड़ा उपयोगी साबित होगा। अभी तक बीबीएनएल इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा जोर लगा रहा था। मुझे लगता है कि अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस और सर्विस डिलीवरी, ये दो महत्वपूर्ण इसके पक्ष हैं। मुझे लगता है कि इस दफ्तर में आने के बाद जो इन दो पक्षों पर पूरा ध्यान नहीं जा रहा था, प्रभावी ढंग से उस काम को बीबीएनएल कर पाएगा। 8 राज्यों ने खुद इस परियोजना के सेकंड फेज को पूरा करने का निर्णय लिया है। उसमें कुछ की स्वीकृति टेलीकॉम कमीशन में हो गई और मुझे लगता है कुछ 17 या 18 में जब मीटिंग होगी तो बाकी की स्वीकृति हो जाएगी। 3 तरह के मॉडल हैं, आप सबको मालूम है। कुछ हमने नॉमिनेशन बेसिस पर बीएसएनएल और पीजीसीआईएल को दिया है, कुछ राज्य स्वतः कर रहे हैं। बीपीसी मोड में बिहार और पंजाब, ये बीबीएनएल ने तो टेंडर फ्लोट किया। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है मार्च 2019 का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। अभी तक कुछ और भी फैसले, जैसे हर जगह वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना, 5 एसएस पॉइंट देना जिनमें 3 सरकारी सेवाओं के लिए हो, ये काम भी शीघ्र शुरू हो, इसके लिए टेंडर फ्लोट किया था। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बृहद डिस्कशन के बाद उनके सुझावों के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। मैं समझता हूँ कि जल्द ही उसका टेंडर आ जाएगा। FTTH कनेक्शन दिए जाए या विभिन्न राज्य इसका उपयोग करें, इसके लिए भी कई राज्यों ने काम किया है, जिनको हमने USO से सहायता दी है। और 70,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में BSNL ने ये कनेक्शन जारी कर दिए हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट BSNL के एक्सचेंजों में लगा है, कॉमन सर्विस सेंटर में लगाया है। तो मोटे तौर पर हम प्रयत्नशील हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसका उपयोग देश के लोग ठीक से कर सकें। जो सुविधा हमारी ओर से दी जा सकती है वो भारत सरकार और हमारा मंत्रालय दे रहा है। हम राज्य सरकारों से भी अपेक्षा रखते हैं कि जितनी नागरिक केंद्रित सेवाएं, उनका जनता तक ठीक से पारदर्शी ढंग से उनकी पहुंच हो सके, इसमें इस नेटवर्क का उपयोग करें। एक निर्णय पिछले दिनों हम लोगों ने और लिया, जिसमें कुछ सरकारी संस्थाओं तक खुद हम अपने खर्चे पर ये नेटवर्क पहुंचाने की सुविधा प्रदान करने वाले हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन है, हाई स्कूल एंड अबव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अबव जो हेल्थ सेंटर्स हैं,
इन तक और डाकखाने जो है पोस्ट ऑफिस, तो भारत सरकार के खर्चे पर इन सरकारी संस्थाओं में हम ये सुविधा पहुंचाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां जो नया ऑफिस आपने देखा है, मुझे लगता है कि नया उत्साह भी हमारे बीबीएनएल के लोगों में इसके कारण से उसका संचार होगा और जो लक्ष्य है वो तो हम समय से प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसे उसका उपयोग यूटिलाइजेशन और एक परमानेंट मैकेनिज्म मेंटेनेंस की हो जाए और व्यापारिक दृष्टि से इसको कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं ताकि अधिक से अधिक, जैसे टीएसपी से हमारा एक अनुबंध है, तो वो सब चीज़ें जल्दी तेज गति से हों। मैं मानता हूँ कि कार्यालय उस दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है।